हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। मैंने इसके पहले वीडियो बनाई, उसमें बताया कि आज वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। आप लोगों का रिजल्ट अपलोड हो चुका है, लेकिन कुछ डिस्टेक का रह गया था जिसके कारण वेबसाइट पर अभी वर्क चल रहा है, जिसके कारण वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद मैंने देखा कि वेबसाइट पर कुछ और बदलाव हुए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। एक बार और हम इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आया है वेबसाइट पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे विमर्श पोर्टल सर्च करना है रिजल्ट चेक करने के लिए। जो भी विद्यार्थी पहली बार अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से चेक करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको विमर्श पोर्टल सर्च करना होता है। देख सकते हैं आप, विमर्श पोर्टल मैंने सर्च किया और क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा परीक्षा परिणाम विमर्श। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छात्रों को कैप्चा फिल करने में आ रही है। अब चूँकि कैप्चा दिख ही नहीं रहा है, तो कैप्चा को फिल कैसे करेंगे। यहाँ पे साइड तो खुलने लगी है, इसके पहले तो साइड ही नहीं खुलती थी, अब साइड खुलने लगी है। अब धीरे धीरे इस पे मेंटेनेंस सुधार होगा, फिर उसके बाद साइड खुलना स्टार्ट होगी। तो आप सभी को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे ही आपका रिजल्ट अपलोड होगा, सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। और इस बार सभी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, जिन भी डिस्ट्रिक्ट का रह गया था। वेबसाइट पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है, जैसे ही वर्क खत्म होता है फिर उसके बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैप्चा जब दिख ही नहीं रहा, तो हम फिल कैसे कर पाएंगे, इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। सब कुछ डालने को ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैप्चा फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैप्चा ही नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट चेक कैसे कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा है। कल भी वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही थी और आज भी कर रही है, हो सकता है एक दो दिन और करे, लेकिन जैसे ही वेबसाइट सुधार होगा और रिजल्ट अपलोड होगा वेबसाइट पर, तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि इस बार सभी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ रिजल्ट अपलोड वेबसाइट पर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।